बहुत ही मान ते सत्कार दे योग भारत दे वख-वख सूबियां चों अते विदेशां विचों भी इस किसानी संघर्ष दे घोल विच पहुंचे हुए सत्कार योग नौजवान वीरों बच्चों भैणों अते बच्चियों सब तो पहला फते अर्ज करदा बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला कई दिनों तो लगातार आप महीने तो उत्ते हो गया इस स्टेज चलदे नूं ते जिहड़े ये काले कानून ना दे खिलाफ असीं लड़ाई लड़ रहे हां इन्हां नूं वापस कराउण लई अते MSP पूरे भारत लागू कराउण लई उहदे संबंध विच बहुत सारे विद्वानां तों बुलारियां तों आप जी ने बहुत कुछ सुनिया और सुनाया जा रहा जे पता नहीं किन्ने दिन जां किन्ना समा महीनियां बधी ये संघर्ष चल सकदा है क्योंकि जिस सरकार दे नाल साडी लड़ाई है जिन्हां तों असीं अपने हक मंग रहे हां वह बहुत ही अड़ियल सभा अते जिद्दी लोग हैं उन्होंने मनसूबे बहुत ही खतरनाक हैं जिन्होंने इस संघर्ष के कारण जेकर इतने वो मंगा मानते हैं तो अगे उन्होंने मनसूबे वो घड़े घड़ाए रह जाते हैं जिस करके वो साड़ियाँ ये जड़ियाँ मंगा हैं उन्होंने प्रवान करने लई बहुत देर ला रहे हैं। मैं तुहाडे नाल बेनती कर रही हाँ कि इस संघर्ष नूं मौजूदा सरकार अते इहदियां एजेंसियां वालों किस तरह तार पीड़ो किया जा रहा है। मैं सुचेत कर रहा है जिहड़े वीर इत्थे रात नूं आपो अपनियां ट्रालियां विच जां टेंटां विच रहिंदे हन उहनां नूं बेनती करनी आ कि वह सुचेत रहन क्योंकि आप जी नूं पता है के लंबे समय तो लैके असी हुण तक जिहड़े सरकार दे मनसूबे जो उन्हां दी नीयत ते नीति जिहदे तहत वह इस संघर्ष नूं तार पीटो करना चाहुंदे आ जिवें कि उन्हां वल्लों लड़के अते लड़कियां नूं इहदे विच भेजिया जा रिहा इत्थे शराब भी लैके पुलिस मुलाजम जिहड़े सी मोटरसाइकलां ते आए पर भज गए उस तों बाद भी हर रोज इस तरह के उन्हां वल्लों कारनामे किए जाते हैं। परसों की गल है परसों शाम को एक राम प्रकाश पुत्र वासदेव जो कि अपने आप को गोरखपुर का निवासी दसदा है उहदे संबंध किहदे किहदे नाल हन वह बहुत वड्डी गल है बहुत ही गुंझलदार है अते सुचेत होने वाली है क्योंकि उन्हां लोकां दे जिहड़े मनसूबे ने वह बहुत ही दूर अंदेशी नाल चलदे हुए साडे इस संघर्ष नूं तार पीड़ो करना चाहुंदे ने। मैं बेनती करा कि जदों यह संघर्ष शुरू होया उदों तो लैके मेरा इको एक जिहड़ा है उस कहना है कि यह जिन्ने भी जिस तरह के भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उस तो बाद देश के वख-वख सूबियां वालों आपो अपनियां समस्यावां दे हल लई उन्हां वालों एजिटेशन किए गए इस तरह पंजाब ने भी जिहड़े सी ओह एजिटेशन किए लेकिन पंजाब दे आ मैं बेनती करा कि एंबूलेंस आ रही है जिहड़े वीर आ रस्ते च ने इस एंबूलेंस नूं रस्ता दे दिओ आ मेरे वीरो एंबूलेंस की आवाज सुन रहा करो एंबूलेंस नूं रस्ता जल्दी तो जल्दी दे दिओ आ सारे जिहड़े खलोते ने आ सज्जे बन्ने खलोते आ रस्ता दे दिओ। सो हर सूबे वालों जिहड़े सी एजिटेशन किए रहे लेकिन पंजाब वालों जिन्हें भी एजिटेशन होए उन्हां सारे एजिटेशनां नूं
समय समय दिया केंद्रीय सरकार ते केंद्रीय एजेंसियां ने उन्हां नूं हिंसक रूप दे के उन्हां नूं फेल करन दी कोशिश की थी। ते मेरा एहो कहना सी कि ये जरा एजिटेशन है किते इस एजिटेशन नूं भी इस तरह का रूप ना दिता जाए। पर केंद्र सरकार वालों वो अपनिया साजिशां तो बाज नहीं आ रहे। जो परसों आदमी पढ़िया गया है उस आदमी ने जो सनसनीखेज खुलासे किए ने उहदे संबंध विच मैं रिकॉर्डिंग भी की है और पुलिस नूं इह दरखास्त भी जड़ी दे चुके हैं और कल इस दे संबंध विच लीडर साहबान जड़े ने असी सारे सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल श्री दर्शनपाल जी जगमोहन सिंह जी असी सारे कल पुलिस अफसर साहबाना मिले हैं और उन्होंने दसिया कि ये जड़े शरारती अंसर इस तरह इत्थे आ रहे हैं जिन्होंने असी फड़ा रहे हैं उन्होंने संबंध में बनती सही कार्रवाई नहीं की जा रही। और आज भी मेरे वालों जड़िया ने एप्लीकेशन केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री तो लैके सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति तक वो एप्लीकेशन पिछले केसों के संबंध में मेला कीतियां गई हैं। अरे असी समय समय ये पुलिस प्रशासन ते डिप्टी कमिश्नर साहब नूं ये समय समय दस रहे हैं पर अजे तक इन्हां ते जो बनती कार्रवाई होनी चाहिए सी वो नहीं हुई जिस करके समुचे किसान वीरां नूं अपील की जाती है। खास करके नौजवान वर्ग जिहड़े ट्रालियां दे विच वीर ने हर ट्राली वाले नूं यह बेनती की जाती है कि तुसी आपो अपनी ट्राली दे विच एक दो तो बंद दे एक तो लैके दो तक जागते रहो गल्लां बातां करते रहो ताकि नींद ना आवे। आसे पासे भी ध्यान रखो जिहड़े नौजवान साडे वलंटियर रात नूं पहरा देंदे ने वो बहुत ही तनदेही नाल पहरे दे रहे ने वो रस्ते भी खाली करा रहे ने जदों किते जाम लगदा है जे किते वो गड़बड़ हुंदी है उत्थे भी पहुंचदे ने किते टैलीफोन आउंदा है जे कोई बीमार हुंदा उहदे तक भी पहुंच करदे ने। पर साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि असी जिन्ने भी लोग इस संघर्ष ते इत्थे पहुंचे हां वो ये ना समझो कि मैं टैलीफोन करके जा आ दस के फर्क हो जाना। तुसी ये समझो कि असी सारे ही आगू हाँ ये जिथे 42 जथेबंदियां ने तुसी वो बतालियां दा एक एक हिस्सा बनो ताकि ये जड़ियां साजिशां इस टाइम ते ये शरारती अंसरां वल्लों ये कीतियां जा रहियां ने इन्हां दे पिछे कौन आ उन्हां दे बारे मैं आज तो पहला बहुत स्पष्ट तौर दे उते नां लैके कह चुका और आज भी ये लोग नौजवानों को आउंदे ने उन्हां नूं मकान पुछदे ने कि तुहानूं मकान की जरूरत है अगों होर कई तरह के उन्हां दे नाल वो गल्लां करदे ने कई तरह दियां तुहानूं आ चीज चाहीदी आ चीज चाहीदी आ और शक होण ते वो नौजवान साढ़े कोल उन्हां नूं पछाउंदे आ और उन्हां नाल गलबात करन तों बाद जो वो दसदे ने वो एडे खतरनाक उन्हां दे मनसूबे ने वो मैं सारे डिटेल दे विच इत्थों दस नहीं सकदा। इक्को इक बेनती करांगा कि आओ सारे दे सारे आपां एक एक जिहड़ा किसान इत्थे आया वो अपने आप नूं वलंटियर ते आगू मने खास करके अपनियां भैणां ते बच्चियां नूं भी बेनती करांगा कि तुसी भी इस किसानी संघर्ष दे विच जिथे जिथे भी तुहाडे रात नूं सौण दी जगह है उत्थे आसे पासे लड़कियां ते भी ध्यान रखना है क्योंकि साडे कोल जो रिपोर्टां आ रहियां ने मैं एक बच्ची नूं 3 बार
पुलिस दे हवाले किया जी नहीं सी करदा पर मजबूरी बस उस लड़की नू तीन बार पुलिस दे हवाले किया उन्हां लोकां मैं बेनती करा कि जी नहीं सी करदा पर मजबूरी बस पराउणा पिया सिर्फ इक्को गल है मैं होर कोई लैक्चर नहीं दे रहा ना कोई होर गल कर रहा सिर्फ सावधान कर रहा कि इस मोर्चे नू असी जितना है जित प्राप्त करके जाना है तो इक्को एक तरीका है ढंग है साडा फर्ज बनना कि इस संघर्ष नू असी हिंसक नहीं होण देना जड़े उन्होंने मनसूबे ने उन्होंने कामयाब नहीं होने देना उन्हों दिया साजिशां नू असी बेनकाब करना है आप पलंदा दरखास्तां दा पर अजे तक किसे ते भी बनदी कार्रवाई नहीं हुंदी होई उन्होंने 57 जां इधर उधर करके फिर छड़ दिता जांदा पुलिस नू प्रशासन नू सरकार नू इस स्टेज तों ये वार्निंग दे रही है कि यह संघर्ष शांतमई शुरू होया सी शांतमई रहा है शांतमई रहेगा पर जे किसे किस्म दी ऐसी हरकत कीती जिदे नाल एक कोई रौला रप्पा पिया जां तुसी लाठी चार्ज करन दी कोशिश कीती जां होर कोई इत्थे कोई इस तरह दे कार्य कीते तां उहदे जिम्मेवार पुलिस प्रशासन प्रशासन ते सूबा सरकार ते केंद्र सरकार होएगी इहदे जिहड़े पर्दे ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤ ਕਹਾ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।